ओरिजिनल अपनी जो जाती वजूहत थी। उसके बाद फिर मैं जॉब करता रहा अपनी। फिर जब 2018 में रब्ता रहा हमारा बीच में, जब इस्लामाबाद जाते थे मुझे कुछ ना कुछ देते भी थे, गिफ्ट भी करते थे, उसके बाद रब्ता भी रहता था, बल्कि होटल में रहते थे तो मुझे कहते थे मुमताज़ जितने दिन मैं इधर हूँ तो इधर ही रहो मेरे पास, बस इतने। तो उसके बाद 2018 में फिर MNA बने हैं जिस दिन, तो MNA बने हैं तो उसके कुछ 6-7 घंटे के बाद मुझे कॉल गई, सॉरी मैंने कॉल की थी, तो उन्होंने कहा मुमताज़ इस तरह करो लाजिज में जाओ, जो फ्लैट वगैरह करना है ये करना है, जो भी मैं जो वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स ही होती है। मैंने कहा सर अभी तो 7-8 दिन लगेंगे, नोटिफिकेशन तो जारी होते हुए इलेक्शन कमीशन से, तो खैर हमने वो प्रोसेस शुरू। उसके बाद मैं साथ ही था, अब 2022 हो गए, 4 साल हो गए तकरीबन। फिर जी उनके इस टाइम जो वारिस हैं सर, उनकी एक बेटी है दुआ, जिसको अपने हाथों में पाला है, और एक अहमद है बेटा उनका, वो इंग्लैंड में होता है। हालांकि इन दोनों का कहना शायद मुनासिब है, यानी इन दोनों की कफालत ये खुद ही करते थे, लोगों के जो मर्जी के। नहीं मुझे नहीं पता भाई जनरेटर का, ये तो आपको मेडिकल बताएगा ना, ये मुझे नहीं पता। यही पे था मैं बाहर बैठा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मैं बाहर बैठ गया था। कैसे चला आपको कि ये ऐसा हुआ, जब आप गए कैसे पता चला? सर अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया ना, अब्बास के साथ हम अंदर आए, हम तो अपने सिस्टम के लिए आए थे कि पैसे लेके डीजल एक पेट्रोल डालें, दूसरा मैं डॉक्टर साहब को उठाऊं तो हम इस्लामाबाद निकले। मैं फ्रेश हो गया, मैंने कहा एक तो शावर ले लेता हूँ। तो अंदर आए तो साहब पहले बाहर सोफे पे सोए हुए थे, तो फिर अंदर चले गए, तो हमें तो नहीं पता था अंदर, हम अंदर दरवाजा खुला हुआ था, तो मैं अब्बास भाई और जावेद हम तीनों थे। जब अंदर गए तो अंदर देखा तो डॉक्टर साहब सोफे पे पड़े हुए, तो टांगे नीचे, तो ऐसे मतलब जैसे वो सोफे पे आदमी लेट सकता है। तो हमने हलाया, पानी मेरे पास बोतल की थी, मैं उस टाइम पानी पी रहा, मैंने पानी छिड़का ऊपर सबको हलाया, क्योंकि मेरा उस टाइम खुद इतना तेज था ना हार्ट बीट, तो मैं किसी को चेक नहीं कर सकता मैं, बल्कि एक दो बंदे फिर बाहर से काफ़ी लोग आ गए, तो हमने कहा यार इनका चेक तो करो। जब उन्होंने चेक किया तो हमें तो यही है महसूस हुआ कि वो एक्सपायर हो गए, लेकिन फिर भी हमने कहा एम्बुलेंस बुलाते हैं, हॉस्पिटल तो लेके जाए ना, जो भी आगे प्रोसेस होता है वो करो। फिर आपने एम्बुलेंस को कॉल की? एम्बुलेंस को कॉल मतलब मैंने तो नहीं की, हमारे बीच में से किसी ने, तो फिर एम्बुलेंस आई। एम्बुलेंस आने के बाद वो हम लोग ने स्ट्रेचर पे उठाया, काफ़ी 10-15 लोग थे, स्ट्रेचर पे डाला, एम्बुलेंस पिछली साइड आई थी वहीं से उठा के। सर इनका खानदानी कौन है? एक बेटी और एक बेटा है, रब्ता बेटी से हो चुका है, ठीक है, बेटी बेटी पहुँचने वाली है। उनका खानदान सिर्फ 2 बंदों का है, बेटी बस, इनका कोई भी नहीं। यार ये हम लोग टेम्परेरी रह रहे थे, हमारा घर ऊपर बन रहा है, वो तकरीबन आप जाके देखें ऊपर बहुत बड़ा घर बन रहा है, उमर भाई को पता है, वकील साहब को पता है।